हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्ड्स के टाइप्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि फिक्स गार्ड यानी कि क्या होता है, इंटरलॉकिंग गार्ड यानी कि क्या होता है, ऑटोमेटिक गार्ड यानी कि क्या होता है, ट्रिप गार्ड यानी कि क्या होता है और टू हैंड कंट्रोल यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिक्स गार्ड यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो फिक्स गार्ड जो है वो मशीन गार्डिंग का सबसे इफेक्टिव जो है एक मेथड है और इसको जो है डेंजरस एरिया के अराउंड में जो है एक बैरियर करके जो है फिक्स किया जाता है। फिक्स गार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड और इसका जो इस्तेमाल है वो हमें ऐसी जगह पर करना है जहाँ की वो प्रैक्टिकेबल हो, यानी कि जब भी हम मशीनरी में नॉर्मल ऑपरेशन वहां पर कर रहे हो तो वहां पर जो है जो भी डेंजरस एरिया है वहां पर पहुंचने की जो है जरूरत ना हो। तो इस तरीके से जो है फिक्स गार्ड जो है वो वहां पर प्रैक्टिकेबल भी होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर मूविंग पार्ट को जो है फिक्स गार्ड लगाया है और ये जो फिक्स गार्ड है ये यहाँ पर प्रैक्टिकेबल है। चलिए अब जानते हैं इंटरलॉकिंग गार्ड के बारे में। तो जब भी हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान जो है कोई भी जो डेंजर पार्ट है वहां पर जो है हमें जाना ही होता है क्योंकि उसके बगैर जो है काम नहीं हो पाता है। तो वैसे सिचुएशन में जो है हम वहां पर फिक्स गार्ड जो है वो नहीं लगा पाते हैं, वो वहां पर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। तो इसके लिए जो है हमें प्रोविजन करनी होती है इंटरलॉकिंग गार्ड की और इसलिए जो है हमें इसको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है वो हो सकती है कि वो मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी डेंजरस पार्ट है उसको ये जो गार्ड है ये सेफ गार्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हमें देखना है। अब जब भी कोई मशीन को ऑपरेट करने से पहले जो है हमें गार्ड को जो है अच्छे से मेंटेन करना है और वो कब तक करना है कि जब तक डेंजरस जो पार्ट है वो अपनी रेस्ट पोजिशन में नहीं आ जाता है तब तक, और फिर उसके बाद ही जो है हम सेफ गार्ड को जो है यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ऑटोमेटिक गार्ड के बारे में। तो ऑटोमेटिक जो गार्ड है इसका हमें वहां पर इस्तेमाल करना है कि जहां पर हम फिक्स गार्ड हो या फिर इंटरलॉक जो गार्ड है उसका हम वहां पर प्रैक्टिकली जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस गार्ड को जो है हम फिजिकली जो है रिमूव कर सकते हैं वो भी डेंजर एरिया से, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस गार्ड को जो है हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास जो है एडवोकेट यानी कि सही जो है टाइम होता है फिजिकली उसको रिमूव करने का, वो भी डेंजर एरिया से, और उस वक्त जो है हमें कोई भी जो फर्दर डेंजर है वो नहीं होनी चाहिए या फिर उसका हमें सामना भी ना करना पड़े। तो उसी वक्त जो है इस गार्ड का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ट्रिप गार्ड के बारे में। तो जैसा कि कोई मशीन है और वो जो है खास तौर से जो है कंटिन्यूअस जो है वो मोशन में होती है, तो उस वक्त जो है हमारा जो हाथ है या फिर पर्सन का कोई भी जो पार्ट है वो वहां पर टेम्पररीली जो है वो स्पेस में जो है इंटर हो सकता है, तो वहां पर जो है इंटेंगलमेंट हो सकता है। तो इसके लिए जो है हमें वहां पर ट्रिप गार्ड का जो है इस्तेमाल करना काफी जरूरी हो जाता है। अब ये जो गार्ड है इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो भी पर्सन है उसको अगर वहां पर अप्रोच करना है तो उसकी जो है हम वहां पर सेफ लिमिट जो है वो वहां पर तय कर सके, यानी कि उसकी सेफ लिमिट जो है उसके बियॉन्ड में अगर वो अप्रोच करे तो वहां पर जो है ऑटोमेटिक जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है वो वहां पर एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके से जो है हमें इस गार्ड को जो है वहां पर अरेंज करना होता है ताकि वो जो मशीनरीज है या फिर मशीन का जो भी मोशन है वो वहां पर रिवर्स में ही वहां पर स्टॉप हो जाए। तो इस तरीके से हमें उस ट्रिप गार्ड को जो है वहां पर अरेंज करना होता है। अब ये जो ट्रिपिंग डिवाइस है ये हो सकता है कि ये मैकेनिकल हो या फिर फोटो इलेक्ट्रिक हो या फिर इंफ्रारेड डिवाइस का भी हो सकता है। चलिए जानते हैं टू हैंड कंट्रोल के बारे में। तो जहां पर मशीन के लिए जो गार्डिंग हम करते हैं वो वहां पर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है, वो हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त जो है हमें टू हैंड कंट्रोल जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। अब इस टू हैंड कंट्रोल में क्या होता है कि ऑपरेटर के जो हाथ है वो वहां पर इंगेज हो जाते हैं और वो भी डेंजरस एरिया से दूर होते हैं। अगर वहां पर एक से ज्यादा अगर पर्सन उस मशीन के ऊपर अगर काम कर रहा है तो वहां पर हमें टू हैंड कंट्रोल जो डिवाइसेस है वो हमें हर एक ऑपरेटर के लिए वहां पर प्रोवाइड करने हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मशीन को जो है आपको स्टार्ट नहीं करना है जब तक सभी जो ऑपरेटर्स है वो साथ में ऑपरेट नहीं करते हैं इस डिवाइस को तब तक। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जो है टू हैंड कंट्रोल का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा गार्ड्स के टाइप्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।